कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माति संगो कवि कर्मणि। है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया, है हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। मुखिया विनोद से करण की शिकायत करता है और ये भी बताता है कि वो 3-4 दिन से दफ्तर नहीं आया। विनोद करण को बुलाकर उससे पूछताछ करता है और उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है। करण कह देता है कि वो छुट्टी पर था और उसकी बैकग्राउंड के बारे में ठाकुर साहब सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो इस बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता। विनोद को गुस्सा आता है और वो ठाकुर साहब से करण के बारे में सवाल करता है। ठाकुर ये कहकर बात टाल देता है कि वो करण के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसके लिए खामोश रहना जरूरी है। उसने कुछ कहा तो विनोद का ही नुकसान होगा। विनोद कुछ समझ नहीं पाता। ठाकुराइन अमिता और करण को लेकर ठाकुर के पास आती है और ठाकुर ये सुनकर परेशान होता है कि करण ने अमिता से शादी कर ली है, जो विनोद की अय्याशी का शिकार हो चुकी थी। ठाकुराइन ठाकुर को समझाती है कि ऐसा करके करण ने ठाकुर परिवार को बदनामी से बचाया है। अब आगे अमिता आशीर्वाद लो। खुश रहो। माजी कुसुम। हाँ कुसुम, ये करण की पत्नी अमिता। अरे मगर ये शादी कब हुई? यही कोई 2-3 दिन पहले। तो फिर इसकी खबर मुझे क्यों नहीं थी? दरअसल इन लोगों ने छिपकर शादी की हम लोगों के डर से। मगर माजी इसमें डरने की क्या बात है? दरअसल मोहब्बत की शादियां ऐसी होती हैं। खैर अमिता, ये इस घर की बड़ी बहू कुसुम। नमस्ते। शादी मुबारक हो, तुम्हें भी। कुसुम जी, मैं इन्हें कमरा दिखाती हूँ। जी चलो अमिता। क्या फूल है पंडित जी, ये चादर का क्या करूं मैं? अरे धोबी का दे दो। अच्छा जी। राम राम मलकिन, सारा कमरा उमरा ठीक करा दिए हैं। अच्छा भूरे महाराज, ये करण की पत्नी अमिता साक्षात देवी का रूप है बहू जी। ये परदेशी है राम कटोरी, हम लोग रसोई बनावत हैं बहू जी। भूरे महाराज जी, हम जल्दी जल्दी में धूमधाम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज इन्हें ऐसी रसोई बनाकर खिलाओ कि ये भी याद रखें। अरे मलकिन, ऐसी रसोई बनाएंगे जैसे हम तिलकपुर में बनाते थे। आओ हमला हाथ बताओ। चलो आराम से चलिए, आजा आजा। आओ बहुआ, यही है तुम्हारा कमरा। माँ जी मुझे ऐसा लगता है कि अमिता को हवेली में रखने के बजाय अगर हम बाहर कहीं जाकर रहें तो अच्छा होगा। देखो करण, अमिता अब तुम्हारी बीवी है, तुम जहाँ चाहो उसे रख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ वो इसी हवेली में रहे
ताकि उसे उसका हक मिल सके और जो कुछ उसके साथ हुआ उसका हम प्रायश्चित कर सके। लेकिन माँ जी, हवेली में ऐसे कई लोग हैं जिनको अमिता का यहाँ रहना गवारा नहीं। करण, ये वही लोग हैं जो अमिता की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। हाँ, हम उनसे अच्छाई की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अमिता यहीं रहेगी, ये मेरा फैसला है। अमिता, हो सकता है तुम्हें यहाँ बहुत परेशान है, मगर तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि करण के साथ मेरा वही रिश्ता है जो विनोद के साथ है। मैंने इसे जन्म भले ही नहीं दिया, मगर मैंने इसमें कभी फर्क नहीं किया। मैं तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि करण को वो सब कुछ मिले जो विनोद को मिला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहाँ रहो ताकि करण यहाँ रह सके। हो सकता है तुम्हें यहाँ रहने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़े, मगर उन्हें बर्दाश्त कर लेना। सिर्फ इतना ख्याल रखना कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे कुसुम की जिंदगी पर असर पड़े। तुम्हारी हालत इस घर में उस जबान की तरह होगी जो 32 दांतों के बीच में रहती है और जरा सी फिसलने से पिस सकती है। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम इस घर में उसी तरह रहोगी जिस तरह कुसुम रहती है, और मेरे होते हुए तुम्हें तुम्हारे हक से बेदखल कोई नहीं कर सकता। सिर्फ इतना याद रखना कि इंसाफ के तकाजे मैं पूरे करूंगी, लेकिन इस हवेली की मान और मर्यादा के तकाजे तुम्हें पूरे करने होंगे। कोशिश करना कि इस हवेली में तुम किसी के सामने तमाशा ना बनो और ना किसी को तमाशा बनाओ। मैं जानती हूं ये काम बहुत मुश्किल है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे पूरा करोगी। अब तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूं। करण, मैं समझती थी कि तुम इस हवेली के सिर्फ मुलाजिम हो, लेकिन ठकुरायन के दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है वो तो खुद के बेटे से भी ज्यादा है। हाँ अमिता, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुझे जन्म तो मेरी माँ ने दिया, लेकिन जिंदगी माँ जी की। मैं इस दुनिया में किसी का भी दिल दुखा सकता हूँ, लेकिन माँ जी का दिल नहीं दुखा सकता। और यही उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ कि तुम कुछ भी करना, लेकिन माँ जी का दिल नहीं दुखाना। करण, मैं माँ जी का दिल क्यों दुखाऊंगी, माँ जी तो देवी है। हाँ अमिता, वो सचमुच देवी है। चलो थोड़ा आराम कर लो। ठकुराइन, आखिर तुम चाहती क्या? मुझ पर इल्जाम देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, मुझसे सवाल करने से पहले खुद से सवाल कीजिए। अगर फिर भी जवाब ना मिले तो ये समझ लीजिए कि अहंकार ने आपको अंधा कर दिया है, रिश्ते और नातों की अहमियत खत्म हो गई है। इस हवेली की मान मर्यादा से बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है। हवेली की एक परंपरा भी है। किसी परंपरा? अमिता को आप भले ही अपना दुश्मन समझें, मगर करण तो आपका खून है। अमिता अब करण की बीवी है और आपकी बहू। जब अमिता ने आपके चरण छुए तो आपने हवेली की मर्यादा को तोड़ दिया। जहां बहू को ससुर मुंह दिखाई देते हैं, वहां आप उसे 100 रुपए का नोट तक नहीं दे सके। इस परंपरा को तुमने लहूलुहान किया है ठकुराइन, तुमने। हम मानते हैं कि करण हमारा खून है, लेकिन जिस लड़की से उसने शादी की है वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। जानती हो, उस लड़की का नाम हमारे बेटे विनोद के साथ जुड़ा हुआ। बस ठाकुर बस, इसके आगे अब एक लफ्ज भी मत बोलना, गालियों की भी एक सीमा होती है। अरे, आज तुम गुस्से में ये भी भूल गए कि करण भी आपकी औलाद है।
आज अपने खून को गाली देने लगे। जो कुछ हो रहा है वो आपके बेटे की गलत हरकतों की वजह से हो रहा है, और ये सजा तुम्हें कुदरत ने दी है जिसके तुम हकदार हो। वरना ऐसा हरगिज नहीं होता कि अमिता मरने जाती और करण उसे बचा लेता। जो दाग तुमने और तुम्हारे बेटे ने दूसरों को दिए हैं, वही दाग शोला बनकर आप लोगों को चला रहे हैं। दूसरों के तड़पने का तमाशा तो आपने बहुत देखा, मगर अब अपने तड़पने का तमाशा आप खुद देखो। ठाकुरायन, सुन लो ठाकुर, मर गई वो अमिता जिसका विनोद ठाकुर के साथ कोई रिश्ता था। उस अमिता ने मेरे सामने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं। अब वो करण की बीवी है और करण तुम्हारा बेटा, पूरी जायदाद का आधा मालिक। इस हवेली में किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो करण और अमिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, आपको भी नहीं। क्या बात है भाई, कहाँ की तैयारी हो रही है? कहीं की नहीं, बस हवेली में ही थोड़ा सा काम है। पूछ सकता हूँ क्या काम है? विनोद, तुमने करण और अमिता को शादी की मुबारकबाद देना तो दूर, तुम नीचे जाके उनसे मिले तक नहीं। कुसुम, करण हमारा नौकर है, मालिक होकर मैं क्या नीचे उतरकर उसे मुबारकबाद देता? क्या मैं उसे गले से लगा लेता? अगर ऐसा भी कर लेते तो क्या बिगड़ जाता था तुम्हारा? आज ही करण को इस घर का नौकर नहीं बल्कि इस परिवार का एक सदस्य समझती है, और माँ जी खुद करण और अमिता को अपने साथ लाई है। तुम भी तो उन्हें मुबारकबाद देकर आई हो। हाँ, मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन असल काम तो अब है। पूछ सकता हूँ क्या काम है? शादी का तोहफा भी तो देना है। तोहफा और उन्हें? कुसुम, तोहफा बराबर वालों को दिए जाते हैं, नौकरों को सिर्फ बख्शीश दी जाती है। अपना अपना ख्याल है विनोद, मेरी नजरों में वो नौकर नहीं है। क्या तुम उन्हें बराबरी का दर्जा देती हो? करण को मैं अपना भाई समझती हूं, तो फिर इस रिश्ते से अमिता मेरी क्या हुई? कुसुम, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, मगर मुझे इस डिस्कशन से दूर रखो। ठीक है, नो डिस्कशन, मैं जा रही हूं। क्या, ये क्या है? अब नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या है, वरना डिस्कशन फिर शुरू हो जाएगा। कुसुम जी, आप यहाँ पर क्यों? मैंने यहाँ आकर आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। करण, दरअसल मैं यहाँ अमिता से मिलने आई हूँ। अमिता से? हाँ, मैं उसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। अमिता, कुसुम जी आप आइए ना। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? करण, जो बात मैं अमिता से करने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो आप भी सुने। आप रुकिए यहीं। दस्तूर है कि जब बहू पहली बार घर में आती है तो उसे मुंह दिखाई देते हैं, मगर आप अमिता को अचानक ही ले आए। उस वक्त मैंने अमिता को देखा तो सही, पर वो रस्म पूरी ना कर सकी। अमिता, ये लो,
मेरी तरफ से शादी का ये छोटा सा तोहफा, इसे कबूल करो। अमिता, एक बात मैं साफ साफ कह दूं, मुझे कभी शक की नजरों से मत देखना। जी जी नहीं। अमिता, मैं नहीं जानती कि माजी का करण से क्या रिश्ता है, पर माजी ने करण को कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा है। अगर ये शादी माजी की मर्जी से होती तो आज बहुत धूमधाम होती इस हवेली में। मगर ठीक है, माजी इस शादी से नाराज नहीं है बल्कि खुश है, और इस हवेली में माजी की खुशी ही मेरी खुशी है। सच पूछा जाए तो इतनी बड़ी हवेली में, जो ठाकुरों की परंपरा के गुलाम है, आजादी से सांस लेना मुश्किल है। यहां ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें दिल बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं देता। जब मैं इस हवेली में नई नई आई थी तो मेरा मन बहुत कभी कभी तो ऐसा दिल करता था कि बगावत कर दूं, मगर माजी के सलूक ने ऐसा करने से रोक दिया। अमिता, ये हवेली रहस्यों का एक चक्रव्यूह है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज करना पड़ता है, या यूं समझ लो कि यहां खुश रहने के लिए कभी कभी अपने आप को धोखा देना पड़ता है। यहां पहले सिर्फ माजी थी मेरे साथ, जिनके साथ बैठकर मैं अपना जी बहला लेती थी। फिर करण आ गए, हम दो से तीन हो गए, अब तुम आ गई हो तो हम तीन से चार हो गए। अमिता, मेरे और माजी के होते हुए तुम्हें यहां कभी कोई किस्म की तकलीफ नहीं होगी। अरे, कब से मैं ही बड़बड़ किए जा रही हूं, तुम कुछ नहीं कहोगी? कुसुम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है और साथ ही साथ मेरी हिम्मत भी बढ़ाई है। हाँ, और अब मैं तुम दोनों को सुखी देखने की कामना भी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी। करण, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें इस हवेली में भी प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। हाँ अमिता, मैं वाकई खुश नसीब हूँ, मुझे प्यार करने वालों में एक और देवी का इजाफा हो गया। करण, तुम कितने महान हो, कहीं मुझे अपना कर... अमिता, करण, जो जुल्म मेरे साथ हुआ उसका कुछ समाधान तो मुझे मिल गया, लेकिन कुसुम पर इतना बड़ा जुल्म, जिस सीता को राम मिलना चाहिए था उसको रावण मिल गया, और जिस राम को सीता मिलनी चाहिए थी उसे क्या मिला? अमिता, मुझे जो कुछ भी मिला अपनी हैसियत से ज्यादा मिला, मगर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, दोगी मुझे? अगर मेरी जान भी मांगोगे तो मैं दे दूंगी। नहीं अमिता, मैं कभी तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांग सकता, क्योंकि अब तुम मेरी जान हो। तो फिर क्या मांगना चाहते हो? अमिता, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि तुमने जिंदगी में कोई गलत काम किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है तुम उसे यह समझकर भुला दो कि वो एक ख्वाब था, और ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती। जिंदगी में कभी तुम अपने आप को गाली भी नहीं दोगी, क्योंकि मैं अपने सामने किसी को भी अपनी बीवी को गाली देते हुए नहीं सुन सकता, और तुम भी नहीं दोगी। बस इतना ही चाहता हूं मैं तुमसे। करण, करण, तुम इस दुनिया के इंसान नहीं हो, बल्कि किसी किताब या कहानी के नेक और आदर्श किरदार हो, जो इंसान का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गए हो। है दुनिया में इंसान
जुल्फ की ये निशानी अजब दास्तां है, अजब है कहानी।